खबर सारण बिहार से, जहां बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, इसको लेकर नए पहचान पत्र प्रकाशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वही प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। साथ ही बाजार चौक चौराहों पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्याशी बैनर के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार एवं शुभकामना दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में इस बार ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा, उसको लेकर भी तैयारी चल रही है। पंचायती चुनाव में मुख्य रूप से जिला परिषद मुखिया, वार्ड सचिव, पंच, सरपंच जैसे कई पद के लिए प्रत्याशी चुनाव होने हैं। पंचायती चुनाव होने को लेकर बिहार के छपरा में क्या माहौल है, जानने के लिए देखिए मनोज कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9, मैं हूं मनोज कुमार सिंह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शुभारंभ होने वाला है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में लगातार सुबह से शाम तक कर रहे हैं दौरा। वहीं प्रचार के रूप में क्षेत्र में हर जगह अपना होर्डिंग भी लगा रहे हैं, होर्डिंगों के माध्यम से जनता के बीच में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का रुझान किस ओर जाता है और कैसे कैसे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में दावेदारी पेश करते हैं। वहीं पंचायती चुनाव में जिला परिषद मुखिया, वार्ड समिति, अनेकों प्रकार के प्रत्याशी क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहे हैं। साफ तौर से चलिए आइए बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्षेत्र में कैसे प्रत्याशियों को वह चयनित करना चाहते हैं और लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। पंचायती चुनाव आने वाला है, आप नवयुवक हैं, कैसे प्रत्याशी मुखिया और जिला परिषद को आप चुनना चाहेंगे? जो मेरे बीच गांव या समाजों के कल्याण के लिए जो मेरे बीच काम करेगा वैसे ही प्रत्याशी को मैं चुनना चाहता हूँ, जो शिक्षित हो और सबके बारे में सोचे, नौजवान युवा के बारे में सोचे, उसी को मैं वोट देना चाहता हूँ। यार सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे आदमी को वोट दें जो शिक्षित हो और समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ाने की काम करें। किस प्रखंड में आपका घर है? मकेर प्रखंड। किस पंचायत अंतर्गत पड़ता है? मैं तरामनूर पंचायत के अंतर्गत पड़ता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। कुछ दिन बाद पंचायती चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं आप भी मतदान करेंगे, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं मुखिया, जिला परिषद? देखिए वैसे चुनाव जो है मुखिया का पंचायती स्तर पे, उसके लिए तो एक शिक्षित मुखिया, शिक्षित प्रतिनिधि जो लोभी ना हो, जो अच्छा काम करे, जो पंचायत में रह के देख रेख और गरीब बुजुर्ग लोगों का सेवा, इसके लिए तत्पर हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मुखिया का 2500 रुपया वेतन है, उसके पास 18 लाख का, 15 लाख का गाड़ी तुरंत मिल जाता है। 6 महीना साल भर मुखिया बने हुए वो आदमी 2 तला बिल्डिंग पीट देता है, उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, कहाँ से होता है, इसका भी जांच होना चाहिए। बयमाजी के शिव कुमारी सिंह आईटीआई कॉलेज के सभागार में प्रखंड भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। शिविर का विधिवत उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश प्रसाद व उमेश तिवारी ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। 3 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण को क्रमशः रमेश प्रसाद, उमेश तिवारी तथा रघुनाथ ओझा आदि ने संबोधित किया। शिविर में मनोज प्रसाद, शिवाजी सिंह, अमरजीत सिंह, पंकज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, दिनेश्वर मिश्रा, अरुण तथा मैथिली शुक्ला आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सरभिया से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। लेकिन पार्टी ने यह स्वीकार नहीं किया, कहा कि भाई मेरे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन आज का अगर संतान होता है तो यह कर देता सुख के लिए। प्रचंड बहुमत मिला है जनता पार्टी की, इस देश में सरकार चल रही थी आसानी से, लेकिन उसमें कुछ अब तो 100 पार्टी का मिला था ना, कुछ टीकरण वाले लोग